अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान के टीम के कोचिंग स्टाफ में कोई रद्दबदल ना करने का जो है फैसला किया गया है। मैनेजमेंट ने कहा है कि कोचिंग स्टाफ में फौरी तब्दील ना की जाए। जराए का कहना है कि चेयरमैन नजम सिटी की जेर सदारत होने वाले इजलास में मैनेजमेंट कमेटी ने फैसला किया है कि न्यूजीलैंड सीरीज के बाद कोचिंग स्टाफ से मुतालिक जो है वो फैसले किए जाएंगे। जराए का कहना है कि सकलैन मुश्ताक और शॉन टेट अपने ओहदे की मुद्दत जो है वो पूरी करेंगे। दोनों कोचेज के ओहदे की मुद्दत जो है जो आने वाला फरवरी है 2023 का, यानी कि उसमें उनकी मुद्दत जो है वो पूरी हो जाएगी और उसके बाद ही ये जो न्यूजीलैंड का दौरा है उसके बाद ही फिर उनके बारे में सोचा जाएगा। क्या आया उन्हीं को जो है वो कोचिंग स्टाफ में रखना है या उनको जो है वो चेंज करना है, उनकी जगह किसी नए कोचेस को लाना है। और अगर कोचेस की बात की जाए तो पाकिस्तान के जो साबिक कोच रही हैं जिन्होंने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के वक्त पाकिस्तान के हेड कोच हैं, उनको दोबारा जो है वो कोचिंग स्टाफ में शामिल किए जाने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। तो ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि पीसीबी जो है इस हवाले से क्या करता है। तो व्यूअर्स, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।